बैठे विपिन का इंतजार कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर विपिन ने अपनी लाइफ में कौन से ऐसे डिसीजन लिए कि वो आज सक्सेसफुल है, और मैं जो पढ़ने लिखने और स्पोर्ट्स में हर चीज में विपिन से बेटर था, आज विपिन से हर मामले में पीछे हूं। विपिन के आते ही ऋषभ पहले उसे न्यू ईयर विश करता है, दोनों दोस्त एक दूसरे को जोर से हग करते हैं और फिर पार्क में बैठकर अपनी पुरानी मेमोरीज को ताजा करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हुए खो जाते हैं। पर विपिन नोटिस करता है कि ऋषभ अंदर से खुश नहीं है और उसकी बातों में एक तरह का पेन है जो उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। वो बात करते करते एब्सेंट माइंड हो रहा था। ऐसे में विपिन से रहा नहीं जाता और वो ऋषभ से पूछ ही लेता है कि यार बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तूने फोन पर भी कहा था कि कुछ डिस्कस करना है। तेरी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा बहुत परेशान होगा, पर अभी समझ में आ रहा है कि तू सच में बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर परेशान है। अच्छा बता, ऐसा भी क्या हुआ जिसकी वजह से तू ऐसे बदल गया? कहीं कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? विपिन की बात सुनकर ऋषभ पहले हल्का मुस्कुराता है और फिर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस मुझे टेंशन है। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। मेरा फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कुछ करने का सोचता भी हूँ तो सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं। और तब ऋषभ विपिन से सवाल करता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं अब तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? ऋषभ अपने दोस्त के सवाल से चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। विपिन फिर ऋषभ की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है कि यार तू तो बचपन से ही हर फील्ड में मुझसे बहुत बेटर था। सॉरी टू से, पर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि तेरे पास मल्टीपल स्किल्स थी और तू सही टाइम पर यह चीज नहीं समझ पाया कि आखिर कौन सी स्किल के थ्रू अपना करियर बनाना चाहिए। बेसिकली तेरे पास अपना करियर बनाने के लिए मल्टीपल फील्ड्स थी और इसी वजह से तू कंफ्यूज हो गया, यहीं पर तू पीछे रह गया। मेरा मतलब है कि तूने दो नाव नहीं बल्कि कई नाव पर एक साथ सवार होने की कोशिश की होगी। सच तो यह है कि आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। तुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाना है इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, इसी वजह से तू आज ये सवाल पूछ रहा है। मतलब मैं समझा नहीं यार, क्लैरिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता प्लीज, मैं सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। देख ऋषभ, कोई भले ही लाख दावे कर ले कि खुशी और पैसे को पाने के लिए अलग अलग तरह के लॉज बनाए गए हैं, और अगर हमने उन लॉज को फॉलो किया तो हर कोई सक्सेसफुल होने के साथ साथ अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर लेगा। पर सच तो ये है कि अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं, तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। विपिन की ये बात सुनने के बाद ऋषभ बोलता है, चॉइसेस मिलने पर कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर जब रियलिटी को फेस किया तो सिर्फ फेलियर था मेरे सामने। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट साइड है टारगेट की क्लैरिटी। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो क्यों काम कर रहा है और कौन सा टारगेट हासिल करना चाहता है। वो एक झुंड को फॉलो करता है, सब जो कर रहे हैं वही करने लगता है, और उसे किस डायरेक्शन में जाना है ये क्लैरिटी नहीं रहती। बिना क्लियर डायरेक्शन के आदमी अपने टारगेट को सही तरीके से समझ नहीं पाता है, और इसके कारण वो कड़ी मेहनत तो करता है लेकिन लास्ट में सक्सेस नहीं हो पाता है। दोस्त इसीलिए तो क्लैरिटी जरूरी है। क्लैरिटी के साथ साथ ये बात भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि तू किसी चीज को पाने के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है। मतलब ये है कि तेरे थॉट्स जितने ज्यादा क्लियर रहेंगे और तू जितने ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेगा, तेरे सफल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपने गोल के बारे में साफ तौर पर इसलिए भी नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेकर न्यूज चैनल्स पर भर भर के इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसीलिए तेरी तरह आज के समय हर कोई कंफ्यूज है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन और न्यूज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और किस इन्फॉर्मेशन और न्यूज को अनदेखा किया जाए। मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के चलते आज हर कोई कंफ्यूज है और इसीलिए हर तरह की फैसिलिटी के बाद भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज हर कोई कंफ्यूज है, और एक लंबा समय निकालने के बाद, या ऐसे कहा जाए कि अपना ज्यादातर समय इधर उधर बर्बाद करने के बाद जब समझ आता है कि असल में हमें क्या चाहिए, तब तक समय हाथों से निकल चुका होता है।
ऐसे में सक्सेस पाना तो दूर की बात है। विपिन की बातों को ऋषभ समझ रहा था। उसे सोशल मीडिया से हटकर कुछ प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है। वहां एडवाइस तो मिल जाती है, ये करो वो करो, पर किसको क्या करना है, किसका इंटरेस्ट किस काम पर है, ये तो खुद को ही सोचना पड़ेगा। ऋषभ, अपनी लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए तो कुछ मेंटल हैक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि तू रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन और योग का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दूसरों से इंस्पायर होकर उनके जैसा बनने की कोशिश करना बंद करो, यानी कि फेक मोटिवेशन से बचो। तेरे अंदर इतनी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि दूसरे लोगों की बातों और उनकी बकबक से तुझे कोई खास फर्क ही ना पड़े, और ऐसा करने के लिए मेडिटेशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। विपिन आगे बोलता है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बस अपनी ही बात करता हूँ। मुझे शुरुआत से ये बात पता थी कि मुझे लोगों को पढ़ाना, उनसे बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसीलिए मैं बचपन से ही टीचिंग में जाना चाहता था, और मैंने अपने गोल को पाने के लिए कुछ खास मेहनत भी नहीं की। बस डेली बेसिस पर अपना काम करता रहा और घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाता रहा, और इससे मैं अपने काम में धीरे धीरे और अच्छा होता चला गया। इससे मेरी रेगुलर प्रैक्टिस होती रही। फिर मैंने कॉन्वेंट स्कूल में एक ठीक ठाक जॉब लेने के बाद धीरे धीरे अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, जिसके नाम से आज हर कोई फैमिलियर है। भाई, समझने वाली बात यह भी है कि मैं अपने पैशन को लगातार फॉलो करता रहा, और धीरे धीरे हमारे एरिया में मेरा नाम हो गया। और झूठ क्यों बोलूं, आज हर कोई मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है। विपिन भाई, हर कोई तेरी तरह फेमस नहीं हो पाता यार। ऐसे में कंपैरिजन करने से भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जैसे मैं तुझसे हर फील्ड में अच्छा हूँ, ये बात तो तू भी मानता है, पर मैं तेरी तरह फेमस नहीं हो पाया। ऐसे में मुझे लग रहा है कि तू ऐसा कौन सा रूल फॉलो करता है जिसकी वजह से आज इस पोजीशन पर पहुंच गया। देख ऋषभ, तेरी तरह ही कुछ लोग समझते हैं कि वो अगर अपने काम में फेमस नहीं हुए तो उनको सक्सेस नहीं मिली। पर सच तो ये है कि अगर अपने काम के चलते तू ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, और अगर फेमस नहीं होता तब भी तू सक्सेसफुल ही कहलाएगा। इसीलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर तेरे प्रोफेशन में तू अच्छा कमाता है और अगर लोग तुझे नहीं पहचानते तो तू एक फेलियर है। विपिन की बात काटते हुए ऋषभ ने कहा, मुझे लगता है शायद इसलिए हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और एक्टर्स को एडमायर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मीडिया की हमेशा नजर रहती है, और इसीलिए आज की तारीख में हर कोई इन तीनों में से किसी एक प्रोफेशन में अपना करियर बनाने की कोशिश करता है। विपिन अपने दोस्त की ये बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। पर ऋषभ, मेरा इस बारे में कुछ अलग सोचना है। मेरे हिसाब से सक्सेस के साथ साथ फेमस होने का कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने करियर में सक्सेसफुल तो हैं पर फेमस नहीं है। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है मेरे दोस्त, इसलिए समय रहते संभल जा। बताओ सही कह रहा हूं या नहीं? कहीं ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे रहा हूं ना? अरे नहीं यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये जमाना रील्स का है। आज हर कोई 30 सेकंड में इंटरनेट होने के साथ साथ नॉलेज चाहता है। सबको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज और एंजॉयमेंट चाहिए। जब लोगों का फोकस टाइम ही 30 सेकंड है तो कंफ्यूज होना आम बात है। इसलिए मैं तेरी बात से पूरी तरह से एग्री कर रहा हूं यार। यू आर राइट। मैं तो ये भी मानता हूं कि आज लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है। इसी कारण से उनका ना केवल अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है, बल्कि इसी वजह से लोग बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेटेड और बोर भी होने लगे हैं। यार ऋषभ, मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर तू अपना दिन रात सुबह शाम एक ही चीज पर लगा दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू जिस एक चीज पर अपना टाइम दे रहा है उसमें तुझे सक्सेस ना मिले। मैंने भी तो यही किया। मैंने सुबह शाम टीचिंग से रिलेटेड चीजें की और अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीजें लगातार करने की कोशिश करता रहा। इसीलिए मेरा यही कहना है कि तू किस फील्ड में जाना चाहता है और तुझे उस एक पर्टिकुलर फील्ड में ही क्यों जाना है, पहले खुद से इस बारे में सवाल कर और फिर दिन रात उस फील्ड में एंटर करने और उससे जुड़े काम को करने की कोशिश में लग जा। अगर तू ऐसा करता है तो पैसा अपने आप तेरे पास चल कर आएगा। पर विपिन, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमें जो काम पसंद है हम उससे पैसे भी कमा सकें। जैसे कि एलन मस्क को बचपन से ही गेमिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, और गेमिंग के बाद उन्हें साइंस, स्पेस या टेक्नोलॉजी से प्यार था।
पर उनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि गेमिंग के भरोसे बैठकर वो पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए उन्होंने साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी को चुना और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। हाँ, तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्रोफेशन ऐसा चुनो कि पैसा भी ठीक ठाक मिले और उस काम में मन भी लगा रहे। जब हम अपने पसंद की फील्ड में काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा निकल कर आती है। वैसे माइंड में क्लैरिटी बनाए रखने के लिए कुछ और भी तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।